दतिया से खबर सामने आ रही है। ग्राम मवई में मंडलम सेक्टर सम्मेलन संपन्न भव है। दतिया भांडे विधानसभा के ग्राम मवई में मंडलम सेक्टर को सम्मेलन संपन्न भव है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक फूल सिंह वरैया रहे। पूर्व विधायक वरैया ने कही है कि भाजपा सरकार में आमजन गरीब किसान सभी जने परेशान है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, तालिबानी जैसो राज्य प्रदेश में 2023 में बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। सम्मेलन में अशोक डांगी बगदा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने संबोधित करत वह कही कि जिला में पोलिंग स्तर पर संगठन खड़ो हुई है, जिससे चुनाव में कांग्रेस का ताकत मिले और कांग्रेस जीत है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाद बीज के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जी पे भाजपा सरकार को कोनो अंकुश नहीं लग रहा है और पूरे देश में प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, जिसे आम जनता बहुत नाराज है। सम्मेलन सभी वक्ताओं ने अब अपने अपने विचार रखे और समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारी सरकार चलेगी उस घर में या तो हम नौकरी लेंगे, नौकरी नहीं लेने लायक है कोई, ज्यादा नंबरों से पास नहीं हो पाया तो उसको हम लोन देंगे और उसका हम रोजगार देंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। जब एक किसान के घर में एक बेटा बेटी अगर रोजगार करेगा और इधर किसान का अनाज उसकी कीमत खुद तय करेगा, बताओ गरीबी कहाँ आएगी? कोई गरीबी नाम किसी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये आपके क्षेत्र का एक बड़ा सौभाग्य है कि आपके बीच में अशोक डांगी जी जिला अध्यक्ष बनकर उन्होंने ऐसी भूमिका उठाई। कि हम सब लोग आसपास की सारी पोलियां कांग्रेस की जिताएंगे और इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को यहां से भगाएंगे। जिस तरह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है भाइयों, जिस तरह से अपनी खाद और बीज महंगा हो रहा है कि अपना अपनी फसल महंगी हो रही है क्या? अभी प्रधानमंत्री ने 40 रुपये गेहूं के बजाय से इतना बदलकर इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ा रेट बढ़ा दिया हो। आज पेट्रोल 110-112 रुपए हो गई है, इससे कभी कोई चर्चा जो भाजपा वाले नहीं करते। भाइयों, हम सब लोग संकल्प लें, हम लोग संकेत होकर इस बार भारतीय विधानसभा से ऐतिहासिक कांग्रेस की जीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ चुनाव सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह तो जो खास खबर है बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता दतिया से संजीव रिछारिया की, तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।